आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट के एडमिन अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में वेंडर आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस वेरिफिकेशन फीचर कैसे लगा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये फीचर क्यों जरूरी है। देखो, जब हमारा मार्केट प्लेस नया होता है ना, तो हमारे पास कुछ ही वेंडर होते हैं। जब इस फीचर को एनेबल ना करो कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। जब आप बड़े लेवल पर जाते हो, आपके पास 1,000, 2,000, 3,000 हो जाते हैं वेंडर्स, जब आपको इस फीचर की जरूरत पड़ती है। ये फीचर का एक तरीके से और इस्तेमाल ले सकते हो आप। अगर कोई वेंडर आपसे पेमेंट लेना चाहता है ना भाई, उसने 10-5 प्रोडक्ट सेल कर दिए किसी वेंडर ने, वो चाहता है कि सर आप मेरी पेमेंट सेंड कर दो, तो आप उससे बोल सकते हो सर आपको मैं पेमेंट सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन करना होगा। और साथ साथ ही इसके कुछ और भी बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जेन्युइन वेंडर्स ही होंगे, और दूसरा ये आपकी वेबसाइट की लॉयल्टी एंड ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा। तो समझ गए, इस वजह से हम यूज करते हैं वेंडर आइडेंटिफिकेशन एड्रेस वेरिफिकेशन फीचर को। तो इस फीचर को कैसे एनेबल करते हैं, तो चलते हैं अपने एडमिन के वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। ये लो, मैं एडमिन के वर्डप्रेस डैशबोर्ड पा चुका हूँ। आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा होगा दुकान का, उसके बाद आपको क्लिक करना है मॉड्यूल्स पर। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन फाइंड करना है वेंडर वेरिफिकेशन वाला। आपको इसको डाउन करते बिल्कुल नीचे आ जाना है। ये देखो, आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा वेंडर वेरिफिकेशन। आपको इसको कर देना अनेबल, मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए अनेबल। ये देखो, हमारा वेंडर वेरिफिकेशन वाला फीचर ऑन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। हमारे जो प्रोसेस है 4 स्टेप से गुजरेगी। सबसे पहले हम अपने वेंडर से क्या बोलेंगे, सर सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करानी है, ठीक है। वो हमारे पास भेजेंगे, हम उसको चेक करेंगे, अगर हमारे को लगता है जेन्युइन है तो हम उसको अप्रूव कर देंगे। उसके बाद उससे कहेंगे सर अब आपको क्या करवाना है, अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना है। वो हमको भेजेगा, हम उसको देखेंगे, अगर हमारे को सब कुछ ठीक लगता है तो हम क्या कर देंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे। और तीसरे नंबर पर हम उसको बोलेंगे सर आपको अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा अपने स्टोर से, मतलब गूगल के जरिए अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी पड़ेगी। जैसे मैं गूगल के जरिए करके दिखाऊंगा ना, ऐसे आप फेसबुक के जरिए करके देख लेना अपना आप, ठीक है। और चौथा हमारा जो तरीका रहेगा उसके अंदर क्या, आपको अपना फोन नंबर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। आप उससे पहले पेमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप सारे काम ना कर लो। तो ये सारे काम कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको चलना है वेंडर के डैशबोर्ड पर। ये लो, मैं अपने वेंडर के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। वो ऑप्शन आपको कहाँ पर नजर आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना सेटिंग पर। ये देखो, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा होगा वेरिफिकेशन, आपको करना है इस पर क्लिक। यहाँ से आपको अपना वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करेंगे। आपको क्लिक करना है स्टार्ट वेरिफिकेशन। आपको इनमें से कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, मैं करता हूँ नेशनल आईडी। उसके बाद आपको करना है अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपको करना है सेलेक्ट फाइल। यहाँ से आपको अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी नेशनल आईडी। मैंने नेशनल आईडी चूज करी, आपको अपनी नेशनल आईडी क्या कर लेनी है, अपलोड कर लेनी है। मेरे पास यहाँ पर है नहीं, तो सपोज करो यही मेरी नेशनल आईडी है, इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक करना सेलेक्ट, और उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। ये देखो, योर आईडी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट इज सेंड एंड पेंडिंग अप्रूवल। ये रिक्वेस्ट तो एडमिन के पास चली गई है। एडमिन को क्या मिलेगा, इस चीज़ का मिलेगा नोटिफिकेशन। उसके बाद एडमिन क्या करेगा, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन होगा। ये लो, लॉगिन हो चुका। उसके बाद उसको कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद उसको वेरिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। लो मैं कर देता हूँ। एडमिन को जितनी भी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट होंगी ना, वो यहाँ पर दिखाई देंगी। देखो, एक सेलर की तरफ रिक्वेस्ट आई, उस सेलर का स्टोर का नाम क्या है, सेलर टू, समझ गए। और उसने क्या सबसे पहले क्या करा, नेशनल आईडी सबमिट करिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको अप्रूव कर देंगे अगर हमारे को सही लग रहा है। आप उसको क्लियरली देखना चाहते हो तो आप उस पर करना है क्लिक, आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा, फिर आपको इसको जूम आउट जूम करके देख सकते हो, समझ गए। मेरे को डॉक्यूमेंट सही लग रहा है, मैं इसको कर देता हूँ अप्रूव। ये देखो, रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। पहले पेंडिंग वाले सेक्शन के अंदर आ रही थी, अब किसके अंदर आ रही है, अप्रूव वाले के अंदर। अब आपको क्या करना, अपने वेंडर डैशबोर्ड पर आना है। अब इस पेज को करना रिफ्रेश, क्या कह सकते हैं, रीलोड। ये देखो क्या लिखा रहा है, योर आईडी वेरिफिकेशन इज अप्रूव्ड। हो गया, अप्रूव हो चुका है ना। अगर एडमिन आपकी आईडी वेरिफिकेशन को डिक्लाइन कर देता ना, तो आपको दोबारा से वेरिफिकेशन करना पड़ता, समझ गए आप। अगर एडमिन फ्यूचर में बोले आपको कोई और आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो आप दोबारा से यहां से कर पाओगे सेम इसी तरीके का, समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ आप एड्रेस और कंपनी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एड्रेस, तो आपको क्लिक करना है एड्रेस वेरिफिकेशन, स्टार्ट वेरिफिकेशन पर। यहाँ से आपको नंबर वगैरह डाल देना अपने स्टोर को। देखो, ये मैंने पहले ही डाल रखा, इस वजह से क्या आ गया, ऑटोमेटिक डिटेक्ट आ गया, समझ गए। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट यहाँ से आपको अपलोड करना है, मैं करता हूँ प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल। ये मेरा एड्रेस का प्रूफ है, इसको मैं कर देता हूँ ओपन। ऐसे आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना, अगर आप नकली डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो एडमिन होगा ना वेबसाइट का, आपको डिक्लाइन कर देगा।
समझ गया, आपके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देगा, फिर आपको दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट प्रूफ, ये देखो हमारा प्रूफ भी लग चुका है। उसके बाद आपको क्लिक करना है किस पर, सबमिट पर। ये देखो योर एड्रेस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट इज सेंड एंड पेंडिंग अप्रूवल, उसी तरह जैसे हमने आईडी करी थी उसी तरह ये रिक्वेस्ट किसके पास चलेगी, एडमिन के पास चलेगी। एक काम और कर लेते हैं, फिर दोनों रिक्वेस्टों को एक साथ हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। आपको कंपनी वेरिफिकेशन और करनी है, मान के चलो भाई इस नाम से आपकी कंपनी भी है, ज्यादातर लोगों की होती है, इस नाम से कंपनी भी है। अब आपको कंपनी भी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टार्ट वेरिफिकेशन। आप अपना कंपनी का कोई नंबर होता है लाइसेंस नंबर, उसकी इमेज आपको यहाँ पर सेंड कर देनी, किसको, एडमिन को। मैं कर देता हूँ ये मेरी कंपनी की इमेज है, लाइसेंस नंबर सेलेक्ट, और उसके बाद आपको क्लिक करना सबमिट पर। ये देखो यहाँ पर लिखा रहा है योर कंपनी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट इज सेंड एंड पेंडिंग अप्रूवल, समझ गए, ये रिक्वेस्ट किसके पास चलेगी, एडमिन के पास चलेगी। सेम तरीके से एडमिन को ईमेल मिलेगा, वो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आएगा और कहाँ पर क्लिक करेगा, स्क्रॉल डाउन करते हुए देखो दुकान के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, उसको दुकान जैसे होर करेगा ना उसके नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एडमिन को वेरिफिकेशन का, उस पर वो करेगा क्लिक। ये देखो आपके सामने जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे वेरिफिकेशन से रिलेटेड। ये देखो ये बंदा है, ये सेलर है, सेलर टू नाम से, ठीक है, इसने अपने आईडी वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं फोटो आईडी वेरिफिकेशन, वो तो कंप्लीट कर चुका है, इस वजह से उसके सामने लिखा रहा है अप्रूव्ड। अब उसने अप्लाई करा एड्रेस के लिए और साथ साथ करा कंपनी के लिए। आपको क्या करना है, एड्रेस देख लेना, आपको ये डॉक्यूमेंट देख लेना, आपको इस पर क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक, इस तरह खुल जाएगा आपके सामने पिक्चर, आप इसको क्लियरली देख सकते हो। अगर आपको सब कुछ परफेक्ट लगे ना, ऐसा कंपनी का देख सकते हो, सब कुछ परफेक्ट लगे उसके बाद आपको क्लिक कर देना अप्रूव पर। मैं क्लिक कर देता हूँ अप्रूव पर। ये देखो इस वेंडर का आईडी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, अब इसको लास्ट काम और करवाना हुआ कंपनी वेरिफिकेशन, इसको भी कर देते हैं अप्रूव। हमारे को सारे डॉक्यूमेंट अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, अप्रूव कर देते हैं। आप चाहो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो, उस केस में क्या करना पड़ेगा, वेंडर को दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, वो अपनी इनकम विड्रॉ नहीं करा सकता जब तक ये काम करना दे। अब देखो एडमिन के पास कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है, सारे रिक्वेस्ट अब किसके अंदर चलेगी है, अप्रूव के अंदर चलेगी है। इसका मतलब एडमिन ने सेलर के आईडी को वेरिफिकेशन कर दिया, एड्रेस को भी वेरिफिकेशन कर दिया, कंपनी प्रोफाइल को भी वेरिफिकेशन कर दिया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने वेंडर डैशबोर्ड पर आना है, यहाँ पर करके देखना है रीलोड। ये देखो आपके वेंडर के डैशबोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है, योर आईडी वेरिफिकेशन इज अप्रूव्ड, योर एड्रेस वेरिफिकेशन इज अप्रूव्ड, नीचे देखो योर कंपनी वेरिफिकेशन इज अप्रूव्ड, समझ गए। अब मैं आपको सिखाता हूँ आपका तीसरा काम, जिसके अंदर क्या करूंगा मैं, आपको सोशल प्रोफाइल आपको अपलोड करानी पड़ेगी, जैसे आप गूगल जोड़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल से अपने स्टोर को कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे फायर वगैरह पर कनेक्ट कराते हैं। इससे क्या होगा, गूगल से वही बंदा अपनी अपनी प्रोफाइल अपने स्टोर को कनेक्ट कर सकते हो जो जेन्युइन बंदा हो। अगर कोई फेक या कोई फ्रॉडर है वो कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो काम सारा कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे को थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना है, ठीक है, स्क्रॉल डाउन आपको करना पड़ेगा और यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद सेटिंग्स पर। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर क्लिक करना है सेलर वेरिफिकेशन वाले सेक्शन पर। यहाँ से देखो आप कहाँ किस किस चीज़ को कनेक्ट करवा सकते हो, कनेक्ट टू फेसबुक, कनेक्ट टू ट्विटर, कनेक्ट टू गूगल, कनेक्ट टू लिंक्डइन, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ गूगल को करा लो, ये बहुत बेहतर है, गूगल से ही सारी चीज़ बनती है जनरल। देखो गूगल से फेसबुक अकाउंट बनता है, गूगल से गूगल की ईमेल आईडी से ही ट्विटर अकाउंट बनता है, गूगल की ईमेल आईडी से लिंक्डइन बनता है। अगर कोई बंदा आपसे गूगल अकाउंट कर गूगल वेरीफाई करने के लिए रेडी है ना, गूगल वेरिफिकेशन करने के लिए रेडी है, इसका मतलब वो सारे काम भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे आप अनेबल कर सकते हो, जैसे मैं गूगल को करके दिखा रहा हूँ। देखो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर देखो आपको यहाँ से अनेबल करना पड़ेगा। अनेबल जैसे इनके फिल कर लो ना आपको डिटेल, उसके बाद आपको नीचे आना है, चेंजेस कर देना है, ठीक है। ऐसे आपको ये कर देना है फेसबुक वाले को, देखो आपकी ये डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे आप डाल दोगे ना उसके बाद आपको कर देना सेव चेंजेस। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ गूगल वाला, ठीक है। और आपको ये चीज कहाँ से मिली, मैंने अपने चैनल पर पहले एक वीडियो बना रखी हाउ टू ऐड गूगल सोशल लॉगिन इन योर वेबसाइट, उसको आप देख लेना। उसमें जैसे मैंने ये आईडी वगैरह बनाई ना, ऐसे आप बना सकते हो अपने लिए। गूगल के अभी बनाने सिखाऊंगा मैं आपको, फेसबुक का नहीं सिखा रहा, फेसबुक का आप ऐसे बना लेना जैसे मैंने आपको बनाने सिखाई है। मेरे चैनल पर मिल जाएगी वीडियो। आपको फेसबुक के लिए क्या डालना है, हाउ टू एनेबल फेसबुक सोशल लॉगिन इन आवर वेबसाइट, वीडियो बना रखी मैंने अपने चैनल पर, देख लेना, ठीक है। वहां पर मैंने सिखाया आप इन डिटेलों को कहां से ले सकते हो, समझ गए। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ गूगल आप कैसे करोगे, गूगल वेरिफिकेशन आप कैसे करवाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिएट एन ऐप पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं करता हूँ क्रिएट एन ऐप। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट, आपको क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा, मैं दे देता हूँ यूट्यूब, अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट, के बाद आपको प्रोजेक्ट बन चुका है। उसके बाद देखो राइट साइड में आपको सामने ऑप्शन नजर आ रहा होगा क्रिएट प्रोजेक्ट यूट्यूब, उसके बाद आपको क्लिक करना सेलेक्ट प्रोजेक्ट।
जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया, जैसे मैंने बनाया यूट्यूब, उसको यहाँ से देखो राइट साइड से मैंने सेलेक्ट करा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, देखो नेविगेशन मेनू क्लिक कर दिया, यहाँ पर पहले ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा एपीआई एंड सर्विसेज, उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑथ कंटेंट स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है एक्सटर्नल पर और फिर क्लिक करना है क्रिएट पर। यहाँ पर आपको अपने ऐप का नाम डालना है, मैं डाल देता हूँ जैसे ई कॉमर्स। यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डालनी ईमेल आईडी, मैं डाल देता हूँ शायद भाई, इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, देखो यहाँ से पूरी को दोबारा से कॉपी करना है आपको, कर लिया कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पर पेस्ट कर देना है डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको दोबारा से ऊपर आना है, यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन का होम पेज सेलेक्ट करना है, अपनी वेबसाइट का होम पेज। तो मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखो फ्रंट पेज, आप जैसे इस पर होवर करोगे आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा व्यू का, इस पर करना है आपको राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, वापस आएंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, हो गया हमारा होम पेज। फिर आपको सेलेक्ट करना है प्राइवेसी पॉलिसी, दोबारा पेजेस के ऊपर आना है, नीचे चलेंगे, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी पर होवर करेंगे, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करेंगे सॉरी, यहाँ पर व्यू पर कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, वापस आएंगे गूगल पर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको करना है टर्म और कंडीशन, वापस पेजेस पर आना है आपको, हमारा टर्म और कंडीशन पेज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे अगले पेज ऊपर चलेंगे, देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट लाइन, ये देखो हमारा टर्म और कंडीशन पेज यहाँ पर है। जैसे मैं इस पर होवर करूंगा, इस पर व्यू करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस इसका भी कर लूंगा, कर लिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, आपको सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना है, बाकी का आपको क्या करना है इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट वगैरह को मत रहने, तो आप जो भी सब डोमेन बनाओ ना, सब डोमेन के लिए करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने मेन डोमेन के लिए कर लो, वो आपके सारे डोमेनों के लिए क्या आएगा, काम आएगा, सिर्फ आपको रिडायरेक्ट यूआरएल बदलना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मेन डोमेन को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप अपने सब डोमेन के लिए बना रहे हो तो। मैंने अपना मेन डोमेन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, हो गया मेरा काम, ठीक है। आप सोच रहे हो मैं सब यहाँ पर वो क्यों नहीं डाल रहा पूरा डोमेन, देखो अगर यहाँ पर मैं पूरा डोमेन डालूंगा ना, देखो क्या लिखा रहा है, देखो सब डोमेन भी डालूंगा ना साथ साथ, देखो क्या लिखाता है, देखो मैं पेस्ट कर देता हूँ, देखो ये देखो इनवैलिड डोमेन मस्ट बी ए टॉप प्राइवेट डोमेन होना चाहिए तेरे पास, ठीक है, आपके पास होना चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अपना मेन डोमेन डालता हूँ यहाँ पर बिग मार्केट डॉट ऑनलाइन। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पर, फिर दोबारा आपको क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पर, और फिर दोबारा क्लिक करना है आपको सेव एंड कंटिन्यू पर, और फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, ठीक है, बैक टू डैशबोर्ड आपको क्लिक कर देना है। हमारा ओथ कंटेंट स्क्रीन कंप्लीट हो चुका है, अब हम अपना फाइनल काम और करना है, उसके लिए हमें क्या क्लिक करना पड़ेगा, हमारे को क्लिक करना पड़ेगा क्रेडेंशियल पर, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, देखो टॉप में क्रिएट क्रेडेंशियल ओथ क्लाइंट आईडी आपको करना पड़ेगा, सेकंड वाले पर क्लिक, यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मेरी वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट है मेरी, ठीक है, अपना क्लाइंट का नाम डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रहा हूँ, डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ। आपके यहाँ पर रीडायरेक्ट यूआरएल सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो आप कैसे करोगे देखो, आप ऐसे कर सकते हो, देखो आपको अपनी वेबसाइट का सबसे पहले ले लेना है यहाँ से यहाँ तक का यूआरएल, देखो इस तरह का, कंट्रोल प्लस सी कर लिया आपने, देखो इस तरह का यूआरएल ले लेना है, देखो इतना ले लिया। उसके बाद मैं आपको एक लाइन दूंगा, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको लाइन, देखिए वाली, कंट्रोल प्लस सी, ओके, और यहाँ पर एंड बैक इसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना, देखो इस पूरी लाइन को दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पर, मैं कर देता हूँ क्रिएट पर क्लिक, आपके सामने क्लाइंट आईडी क्लाइंट क्रिएट आ जाएंगे, हम कॉपी करते हैं सबसे पहले क्लाइंट आईडी को, ये कर ले कॉपी, दोबारा से कॉपी करते हैं, दो तीन बार कर लो, उसके बाद दोबारा से अपने आना है दुकान वाले सेक्शन पर, यहाँ पर पेस्ट कर देना है क्लाइंट आईडी, हो गया। उसके बाद आपको पेस्ट करना है पर सीक्रेट की, वापस आते हैं यहाँ पर सीक्रेट की करेंगे कॉपी, वापस आते दुकान पर, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है सेव चेंजेस, ये लो हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने आने वेंडर डैशबोर्ड पर, जैसे आप गूगल वेरिफिकेशन वाले फीचर को एनेबल कर लोगे ना, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, किस चीज का ऑप्शन, सोशल प्रोफाइल के अंदर एक ऑप्शन नजर आएगा कनेक्ट टू गूगल, आपको अपने अकाउंट को गूगल से कनेक्ट करना पड़ेगा, धाना वही बंदा अपने अकाउंट को गूगल से कनेक्ट कर सकता है जो जेन्युइन बंदा हो, जो जेन्युइन वेंडर हो, जेन्युइन सेलर हो, ठीक है। हम करते हैं, आपको क्लिक करना है कनेक्ट टू वेंडर, ये देखो आपके सामने एक एरर आ रहा होगा, किस चीज का एरर, एक्सिस ब्लॉग ई कॉमर्स रिक्वेस्ट इज इनवैलिड, ये एरर किस वजह से आ रहा है इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, कैसे करेंगे सॉल्व, वापस आना अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर, ठीक है,
या गए मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। आपको क्या करना है, जो ये रीडायरेक्ट यूआरएल है ना, इसको आपको कॉपी कर लेना। देखो इसके अंदर दिख नहीं रहा आपको, आपको इस पर आना, यहाँ पर क्लिक करना, दो बार माउस क्लिक कर लिया, कॉपी हो गया लिंक, इसको कर लेना कंट्रोल प्लस सी। वापस गूगल पर आपको आना है, ये देखो आपकी जो आईडी बनाई थी यहाँ पर थी वो, ठीक है। इसको करना है आपको एडिट, ठीक है। आप नहीं बनाओ ना तो आप ये काम भी कर सकते हो। देखो आपने जो ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल डाला था ना, वहाँ पर एक और यूआरएल ऐड करना पड़ेगा आपको, ये वाला कर दिया मैंने ऐड। उसके बाद नीचे करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना सेव। ये लो हमारा ऑथ क्लाइंट सेव हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा अपने वेंडर वाले अकाउंट पर आना है। हम बैक चलते हैं पहले और फिर से क्लिक करते हैं कनेक्ट टू गूगल। ये देखो अब हमारी ईमेल आईडी हमारे सामने आ चुकी है। हम इस पर अपनी ईमेल आईडी पे करेंगे क्लिक, मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे आप अपनी ईमेल सेलेक्ट कर लोगे ना, आपकी गूगल की इमेज आ जाएगी, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी और यहाँ पर लिखा जाएगा डिसकनेक्ट टू गूगल। इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है गूगल से हमारा स्टोर, समझ गए। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप वेरिफिकेशन करो ना गूगल, आपको वही ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी जिस ईमेल आईडी से आपने वेंडर अकाउंट बनाया है, ठीक है। इस तरह करते हैं हम गूगल वेरिफिकेशन। अब हमारा लास्ट स्टेप और बचा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हम वेंडर का फोन वेरिफिकेशन और करेंगे। उस चीज की सेटिंग करने के लिए हमारे दोबारा से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आना है। मैं आ जाता हूं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। ये लो मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ चुका। उसके बाद आपको क्लिक करना वेरिफिकेशन एसएमएस सेटिंग। ये देखो यहां पर आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम डाल लेना। मैं डाल देता हूं बिग मार्केट, डाल दिया। यहाँ पर टैक्स वगैरह डालना है आपको, डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। आप इनमें से जो भी गेटवे यूज करना चाहते हो ना, आपको उसको करना सेलेक्ट। मैं करता हूँ ट्वेलो वाला, कर दिया मैंने सेलेक्ट। और उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करना है आपको हेयर, यहाँ से आपको क्लिक करना साइनअप। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, मैं डाल देता हूँ अपना नाम साहिद KHAN खान। ईमेल आईडी आपको डालनी है डिजिटल एरा @gmail.com, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना, पासवर्ड डालना अपना, मैं डाल देता हूँ अपना पासवर्ड। उसके बाद आपको क्लिक करना स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। मैं चलता हूँ अपनी इनबॉक्स में, या गया मैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है वेरीफाई योर ईमेल आईडी, इस पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ वेरीफाई। आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल पर, मैं उसको कर देता हूँ पुट। उसके बाद आपको क्लिक करना सबमिट पर। आप ट्वेलो को क्यों यूज करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कर लेना वेरीफाई यूजर एसएमएस, इसको वेरीफाई करने के लिए। यहां से आपको सेलेक्ट करना है आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है आपको, आप ट्वेलो को किस तरह यूज करना चाहते हो, किस तरह बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है विद नो कोड एट ऑल, करेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे आना है व्हाट इज योर गोल टुडे। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है समथिंग एल्स और गेट स्टार्टेड विद ट्वेलो। यहाँ से आपको अकाउंट SID SLD या आपको कॉपी करना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आना, यहाँ पर कर देना पेस्ट, कर दिया। आपको यहाँ से और टोकन की और पेस्ट कर लेनी। देखो मैं और टोकन की यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं ओथ टोकन को, कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को ट्वेल्व का नंबर लेना पड़ेगा। देखो मैंने पहले नंबर ले लिया, आपके यहाँ पर सामने देखो एक ऑप्शन नजर आएगा, देखो यहाँ पर गेट नंबर ट्वेल्व नंबर, आपको कर देना उस पर क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक फ्री में आपको एक ट्वेल्व नंबर मिल जाएगा। मिल गया मेरे को, इसको करता हूँ मैं कॉपी, मिल गया कॉपी। और यहाँ से करेंगे हम पेस्ट, और यहाँ से आप जो कोड मिलेगा ना, आपको एसएमएस कोड मिलेगा, कैसे चाहते हो आप, वर्डों में चाहते हो या नंबर में चाहते हो, मैं चाहता हूँ नंबर में, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से देखो ट्वेल्व सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्लिक करना सेव चेंजेस। ये लो हमारी सेटिंग हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने वेंडर के डैशबोर्ड में आना है। ये लो मैं अपने वेंडर के डैशबोर्ड पर आ चुका। ये देखो वेंडर को एक नया ऑप्शन मिला किस चीज का, फोन वेरिफिकेशन का। यहाँ से वेंडर को क्या करना पड़ेगा, अपना फोन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फोन वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने कंट्री का कोड डालना है, हमारे इंडिया का कंट्री का कोड है +91। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना अपना, मैं डाल देता अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको क्लिक करना सबमिट पर। ये लो क्या लिखा रहा है, SMS सेंड, प्लीज एंटर योर वेरिफिकेशन कोड। देखो मेरे को एक वेरिफिकेशन कोड मिला है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा किस तरह का है। देखो मैं उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक करना सबमिट पर। योर फोन इज वेरीफाइड नाउ, लो हमारा फोन नंबर भी क्या हो चुका, वेरीफाई हो चुका। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में वेंडर के लिए आईडी वेरिफिकेशन,
फोन वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, कंपनी वेरिफिकेशन, गूगल वेरिफिकेशन और फोन वेरिफिकेशन कैसे एनेबल करें ताकि आपकी वेबसाइट पर जेन्युइन वेंडर हो, कोई फ्रॉड या फेक काम आपकी वेबसाइट पर कोई ना कर सके, कोई भी वेंडर। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।